जिस कैटेगरी में कंपटीशन कम होता है उतना ही आसान होता है उस कैटेगरी में ग्रो करना, जिस कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है उस कैटेगरी में ग्रो करना। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे चाइनीज फनी वीडियो को जो यूज़ करते हैं शॉर्ट चैनल में, उनकी एडिटिंग भी अच्छी होती है, वॉइस ओवर भी ठीक ठाक होता है, फिर भी उनके व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि वो ऐसे चैनल से वीडियो लेते हैं जहाँ से बहुत सारे और भी लोग वीडियोस लेते हैं, जिस कारण उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है और व्यूज़ नहीं आते। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे चैनल लेकर आया हूँ जहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल कम है, अगर आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड करोगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और आपके जो कॉपीराइट स्ट्राइक के रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको भी मैं जो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कुछ चैनल्स के, और आपको उन्हीं स्क्रीनशॉट्स के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, वहाँ से ही आपको चाइनीज फनी वीडियोस डाउनलोड करना है अपने शॉर्ट्स में। तो अब वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आपको वहाँ से ही चाइनीज फनी वीडियोस लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो पहला चैनल है उसका नेम है NZO ऑफिशियल। तो यहाँ पर इनके 2,16,000 सब्सक्राइबर हैं, 42 वीडियोस हैं, आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जहाँ से आपको बहुत सारी जो चाइनीज फनी वीडियो है वो मिल जाएंगी, और यहाँ से बहुत कम लोग वीडियोस लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड चैनल है उसका नेम है टू ब्रदर्स फॉल्स। तो यहाँ पर इनके 73,000 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर, और 283 वीडियोस इन्होंने डाल रखी है, तो यहाँ पर भी आपको चाइनीज फनी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा थर्ड चैनल है उसका नेम है ब्रदर चुआन वाइंस। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चाइनीज फनी वीडियोस मिल जाएंगी, 1,19,000 सब्सक्राइबर इनके 103 वीडियोस में, तो आपको यहाँ से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, 103 वीडियोस हैं, बहुत अच्छा आपका कंटेंट बन जाएगा, बहुत अच्छे खासे शॉर्ट्स बन जाएंगे जहाँ से आप वीडियोस ले सकते हैं। और जिनको ये नहीं पता कि दूसरों के कॉन्टेंट पर कैसे काम किया जाता है, ऊपर देखिए आपको एक लिंक मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक से आप कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से आपको देख लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे यही बताना था, सो बताया, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।